आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। MIM के रुकन असेंबली जनाब अहमद बलाला की जानिब से ओल मलकपेट में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। MIM के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। BSP के खायद अबरार हुसैन आजाद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सोशल एंड ट्रिबल वेलफेयर के तुलबा को दिल्ली में हॉस्टल फराहम करे। जो है ना डॉक्टर अनस परवीन कुमार साहब के सहूलियतों के जरिए उनको हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी और उनको खाने की सहूलत दी गई थी। अभी अनस परवीन कुमार साहब के रिजाइन देकर सियासत में दाखिल होकर बहुजन समाज पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर के हैसियत से वो आज काम कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मौजूदा सेक्रेटरी की जानिब से वो दिल्ली के जो तलबा है, जो SC ST तलबा, जो गरीब तलबा है, उनको जो है ना हॉस्टल की फैसिलिटी से महरूम कर दिया गया, जिसकी वजह से आज वो लोग जो है ना बहुत परेशान हैं। होटलों में काम करते हुए, कैटरिंग का काम करते हुए, बस स्टेशनों में, रोडों पर रह रहे हैं। उनकी इस मुसीबत में, मुश्किल वक्त में हम ये सेक्रेटरी से इस बात की डिमांड करते हैं कि हुकूमत जो है ना उनके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम करे। अगर वो उनको हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं करती तो हैदराबाद हाउस, जो तेलंगाना भवन है, जो निज़ाम स्टेट का, जो निज़ाम सरकार जो बनाए थे, वो हैदराबाद हाउस में उनको रखते हुए उनको तालीम को देने की जो है ना जिम्मेदारी हुकूमत की है। MP MLA जो है ना कहीं पे भी रह सकते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है हुकूमत की तरफ से। ये जो गरीब बच्चे SC ST के जो बच्चे यहाँ हुए, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको हैदराबाद हाउस, जो आज का मौजूदा तेलंगाना भवन है, तेलंगाना हाउस है, उसमें रखकर जो है ना तालीम देने का हम डिमांड करते हैं। और इनके लिए जो है ना स्पेशल फंड माहाना 20,000 रुपये इनके लिए इजरा करें, ताकि वो लोग जो है ना अगर हॉस्टल नहीं होने की सूरत में कम से कम वो पैसों की मदद के जरिए कहीं भी प्राइवेट हॉस्टल में रहकर अपना जो है ना टिफिन वगैरह, लंच वगैरह कर करके जो है ना तालीम हासिल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो है ना यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उनको वहाँ से लाने के लिए जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है। हमारे तेलंगाना के बच्चे, तेलंगाना के रियासत के बच्चे जो है ना दिल्ली में है और तेलंगाना गवर्नमेंट उनको जो है ना उनके साथ सौतेला शुरू कर रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट को हम ये डिमांड करते हैं कि ये गरीब जो बच्चे जो आज तालीम के जरिए आज अपनी कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए RS परवीन कुमार जो कोशिश करके उनको ये मुकाम तक लाए हैं, उनके साथ जो है ना उनके साथ माली मदद करके उनको जो है ना ये मुकाम तक लाने के लिए कोशिश करने की हम आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस के MLA जग्गा रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी ने इनके आपसी इख्तलाफात खत्म करके तेलंगाना में पार्टी को ताकतवर बनाने की हिदायत मैसेज वार इच्छी अदे मैसेज लो ई रोज मेम ढिल्ली लो आ वार मैसेज ने तेलंगाना लो इक नुंची प्रजल एदुर्कोंटुन्न समस्याल मीद कांग्रेस पार्टी उम्मडिगा एकम अंदरं ऐक्यं तोटी मरी वारी नायकत्वंलो सोनिया गांधी गारु राहुल गांधी नायकत्वंलो वारी दिशा दिशलो वारी गैड्लैन्स लो తప్పకుండా ప్రజల సంక్షేమం కోసం ముందుకెళ్లే యొక్క కార్యక్రమంగా నిచ్చులు ఆ కార్యక్రమాన్ని మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం వెళ్లిన వెంటనే ఆ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. ఏం లేదు, ఏం చెప్పలేదు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన సమయంలో ఈ మేము అవన్నీ మర్చిపోయినాం. అసలు రాహుల్ గాంధీ గారు మొన్న ఇచ్చిన 3 గంటల సమయంలోనే నా నేను ఏమేం మాట్లాడాను అన్ని మర్చిపోయినా నేనైతే. అసలు అవి నేను బహుశా అందరూ కూడా తెలుసు, నేను ఎలాంటి విషయాలు వారి ముందు ఎత్తలేదు. వారు ఆ 3 గంటల సమయంలో మా కేటాయించినట్లు అనేక మెసేజ్లు ఉన్నాయి. వారి మెసేజ్లో ఏమున్నాయంటే మనము మన కుటుంబము. ఈ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ కరియే, లైక్ కరియే, షేర్ కరియే, ఆర్ హమే దీజియే ఇజాజత్.